हमारे बीच आज आदरणीय कानूनी अधिवक्ता इंद्र सिंह सरोवा साहब जी जुड़े हैं। 5/3/2021 को सबसे पहले मैं आपको आज आपके जन्मदिवस की बधाई देता हूं, और आज मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आप अभी प्रेसिडेंट के चुनाव के लिए आरसीबीए में खड़े हुए, मैं जानना चाहूंगा कि आज आप आरसीबीए के एडवोकेट्स के लिए, दिल्ली के जो एडवोकेट्स हैं और ऑल इंडिया में जो एडवोकेट्स हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आज आप? मेरा आज भी एक ही संदेश है और पहले भी आगे भी एक ही संदेश रहेगा कि बार की एकता, वकीलों की एकता हमेशा बरकरार रहनी चाहिए। पहले सिस्टम में, जुडिशियल सिस्टम में सबसे पहले एडवोकेट्स है, बार है, फिर जुडिशरी है या पूरा सिस्टम है। तो मैं चाहूँगा ये एकता और अखंडता बार की मेंबर्स की हमेशा बनी रहे। आज आपका जिस तरीके से रोनी कोट बार एसोसिएशन में एक अधिवक्ताओं का सैलाब मैंने देखने को मिला कि पार्क में आज उन्होंने नेचर को भी अपने साथ लिया, प्रकृति को भी साथ में लिया, आपका आशीर्वाद उन्होंने लिया और आपको दिया, आपके साथ आपका अनुभव साझा किया, आपका जन्मदिन सेलिब्रेट किया। सैकड़ों की तादाद के अंदर जो अधिवक्ता थे उन्होंने आज अपनी भावनाएं भी आपके प्रति जाहिर करी, और हम भी अपनी शुभकामनाएं आपको देते हैं कि आप आने वाले समय में 26 मार्च 2021 को जो चुनाव है, आपके नेतृत्व के अंदर एक अच्छा सशक्त यहाँ पे पैनल आएगा। इस आने के बाद मैं ये जानना चाहता हूँ कि सरोवा साहब, आप अपने यहाँ अपने इन कानूनी अधिवक्ताओं के लिए शुरुआती तौर पे क्या काम करेंगे? सबसे पहले आप अगर आते हैं, क्योंकि भावनाएं जिस तरीके से आज देखी हैं तो आज लगता है कि जैसे आपका उनका मत आपकी तरफ है, मैं जानना चाहता हूँ कि आपका प्रति उनका इतना प्रेम जो स्नेह है, उसके लिए आप आते सबसे पहले क्या उद्देश्य आप रखेंगे या अपना लक्ष्य रखेंगे उनके लिए? सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ, मिल गया। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ, मेंबर्स का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि सुबह से आज मेरे बर्थडे के सेलिब्रेशन में इतना उत्साह मैंने देखा है मेंबर्स में, और ये उत्साह हमेशा कामयाब रहेगा। जब तक मैं जिंदा रहूँगा मेंबर्स के लिए, बार के लिए, बार की एकता और अखंडता के लिए हमेशा काम करता रहूँगा। यही मेरे एक संदेश है, यही मेरी शुभकामना है, यही मेरी इच्छा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसी उम्मीद थी आपसे, जैसे हमें विश्वास रहा है, हमेशा हम आपके साथ जुड़ते रहे हैं, और आपका हमेशा यही संदेश रहा है कि आपका जीवन का लक्ष्य, पहला और अंतिम लक्ष्य हमेशा एडवोकेटों के अधिकारों के लिए रहा है, और आज आपने अपनी ये बात स्पष्ट कर दी है। तो हम पुनः आपको एक बार धन्यवाद करते हैं आपके जन्मदिन का, और ये आशा और विश्वास के साथ आज ये जाएंगे कि 26 मार्च 2021 को जब हम यहाँ रिजल्ट आएगा तो अपने इन्हीं कानी अधिवक्ताओं का विश्वास मत के साथ आप पुनः इनकी सेवा में अग्रसर रहेंगे और इनके साथ बने रहेंगे और इनके अधिकारों के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।